Good morning, students. Today we will study Chapter 8, Festivals and Celebrations. Festivals yani Tyohar. Festivals and celebrations are held for the fun. Festivals or celebration kis cheez ke liye hote hain? Fun ke liye. There are many celebrations like birthday, wedding anniversary in the family. In birthday party, friends and relatives are invited. Birthday party में हम किसे बुलाते हैं? Friends को और relatives को. A small party is arranged. एक छोटी सी party arrange की जाती है. Cake is cut and is distributed to everyone. Cake को काटा जाता है और उसे सबके बीच बांट दिया जाता है. Birthday wishes are given in the form of gifts and blessings. जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जाती हैं किसके तौर पे? Gifts के तौर पे, gifts की form में, और blessings आशीर्वाद भी दिए जाते हैं. Weddings are also celebrated in the families. Families में weddings को भी, शादियों को भी celebrate किया जाता है. Friends and relatives are invited from far and near. दूर के और नज़दीक के सभी रिश्तेदारों को और दोस्तों को बुलाया जाता है. After the full ceremony of marriage is conducted. शादी के सभी रीति रिवाजों को, समारोह को पूरा होने के बाद. This is a time of great fun in the family. यह समय काफ़ी खुशियों का और मज़े का होता है सभी फैमिली मेंबर्स के लिए. फेस्टिवल्स आर द सेंस ऑफ एंजॉयमेंट एंड सेलिब्रेशंस. फेस्टिवल त्यौहार एक अनुभव है एंजॉयमेंट का, एंजॉय करने का और सेलिब्रेट करने का. फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन इंडिया. इंडिया में हम कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं? इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, इसीलिए उसको लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है. वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स ऑफ टू टाइप. हम दो तरह के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल एंड रिलीजियस. फेस्टिवल्स आर द सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट. फेस्टिवल्स भरपूर होते हैं एंजॉयमेंट के. नेशनल फेस्टिवल्स. We celebrate national festivals like Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti. National festival कौन से होते हैं? राष्ट्रीय त्योहार जो कि पूरा देश मनाता है. ये कौन से हैं? Independence Day, Republic Day और Gandhi Jayanti. First is Republic Day, यानी कि गणतंत्र दिवस. On 26th January, we celebrate Republic Day. India adopted its own constitution on this day in 1950. 26th January को हम celebrate करते हैं गणतंत्र दिवस. इंडिया ने 1950 में इसी दिन यानी 26 जनवरी को अपना constitution, संविधान अपनाया था. On this day, a march past or parade is held from the Rashtrapati Bhavan to Red Fort. इस दिन पे एक मार्च पास्ट या फिर एक परेड निकाली जाती है राष्ट्रपति भवन से रेड फोर्ट, लाल किले तक. The President of India takes the salute of the march past. मार्च पास्ट का जो सल्यूट है वो किसे दिया जाता है? इंडिया के प्रेसिडेंट को. Next is Independence Day, यानी स्वतंत्रता दिवस. We celebrate Independence Day on 15th August. हम स्वतंत्रता दिवस Independence Day कब सेलिब्रेट करते हैं? 15 अगस्त को. India got freedom on this day in 1947. इंडिया को इस दिन आज़ादी, स्वतंत्रता मिली थी कब? 1947 में. Prime Minister of India
hoist the nation national flag at the Red Fort on this day. इस दिन प्रधानमंत्री इंडिया का नेशनल फ्लैग तिरंगा यानी कि तिरंगे झंडे को फहराते हैं, कहाँ? रेड फोर्ट, लाल किले पे. वी ऑल सेलिब्रेट दिस डे विद ग्रेट एंथुजियाज्म. हम सभी इस दिन को बहुत ही उत्साह के साथ सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट इज गांधी जयंती. इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 2nd अक्टूबर एवरी ईयर एज द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन. 2nd अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है गांधी जयंती के फॉर्म में. महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन थे. ऑल द इंडियाज पे रिस्पेक्ट एंड होमेज टू देयर ग्रेट लीडर ऑन दिस डे. गांधी समाधि इज नोन एज राजघाट. इस दिन सभी इंडियंस अपने रिस्पेक्ट पे करते हैं और क्या करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं हमारे लीडर गांधी को. जो गांधी की समाधि है उसको और क्या कहा जाता है, राजघाट. नाउ लेट अस सी रिलीजियस फेस्टिवल्स. पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स सेलिब्रेट देयर ओन फेस्टिवल्स. जो अलग अलग धर्म के लोग हैं वो अपने अलग फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं. क्योंकि ये धर्म से जुड़े हुए हैं इसीलिए इनको रिलीजियस फेस्टिवल यानी कि धार्मिक त्यौहार कहा जाता है. होली. होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. होली रंगों का त्यौहार है. पीपल थ्रो कलर्स ऑन ईच अदर. इसमें लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं. दे सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल विद ग्रेट जॉय. सभी इस फेस्टिवल को बहुत ही आनंद के साथ सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट इज दशहरा. इट इज द फेस्टिवल ऑफ हिंदूज. ये हिंदुओं का त्यौहार है. ऑन दिस डे लॉर्ड राम डिफीटेड रावण. इस दिन भगवान राम ने किसको हराया था, रावण को, जो कि ईविल यानी कि बुरा था. Idols of Ravan, Kumbhakaran and Meghnath are burnt on this day. इस दिन रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतलों को जलाया जाता है. Do you know, Dashera is 10-day festival. क्या आप जानते हैं, दशहरा 10 दिनों का त्योहार है. Next is Deepavali. It is also the festival of Hindus. Deepavali bhi Hinduo ka tyohar hai. This festival comes after the 20 days of Dashehra. Dashehra ke 20 dino baad ye tyohar aata hai. Houses and markets are decorated with lights, candles and diyas. Is din gharon ko aur bazaron ko डेकोरेट किया जाता है रोशनी से, मोमबत्तियों से और दियों से. लक्ष्मी पूजा इज हेल्ड इन एवरी हाउस. हर घर में इस दिन लक्ष्मी पूजा की जाती है. दिस फेस्टिवल मार्क्स द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या. ये दिन किस लिए मनाया जाता है, भगवान राम के अयोध्या वापस लौटने पर. चिल्ड्रन play with firecrackers. बच्चे पटाखों के साथ खेलते हैं. Gifts and sweets are exchanged by the elders. और इस दिन मिठाइयाँ और gifts exchange किए जाते हैं किन के बीच में, बड़ों के बीच में, यानी कि बड़े एक दूसरे को इस दिन मिठाइयाँ और gift देते हैं. Next is Eid. Eid ul Fitr और ईद इज द फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स. ईद किसका त्यौहार है, मुसलमानों का. ऑन दिस मुस्लिम प्रे इन द मोसिक. इस दिन मुस्लिम मस्जिदों में प्रार्थना करते हैं.
They wear new clothes and greet each other with Eid Mubarak. वो नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को बधाइयां देते हैं ईद मुबारक कहकर. They eat special dish called सेवैयां on this day. Muslims इस दिन special dish खाते हैं जिसे सेवई कहते हैं. Christmas. It is the festival of Christians. Christmas Christians का त्योहार है. It marks the birthday of Jesus Christ. ये Jesus Christ के जन्म दिन पर मनाया जाता है. It is celebrated on 25th December every year. यह त्योहार हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है. People go to church to offer prayers. इस दिन लोग चर्च जाते हैं प्रार्थना करने के लिए. Christmas tree is decorated with lights. इस दिन Christmas tree को decorate किया जाता है lights, रोशनियों के साथ. Santa Claus offers sweet chocolates to the children. और Santa Claus बच्चों को स्वीट्स, मिठाइयाँ, चॉकलेट्स देते हैं.